नमस्कार, मैं आभास रे आपका इस डीएलएड कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग। स्थानीय संसाधन समाज दर समाज भिन्न होता है। प्रत्येक समाज के प्राकृतिक व मानव निर्मित संरचना और ताने बाने पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि हर समुदाय का पर्यावरण दूसरों से भिन्न होता है और उसकी अपनी एक अलग ही विशेषता होती है। अध्ययन व अन्वेषण हेतु समाज प्रत्येक विद्यालय के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय अगर ज़्यादा संसाधन युक्त है तो उसके पास अध्ययन व अन्वेषण की बहुत ही ज़्यादा संभावना है और दूसरा विद्यालय जहाँ फिजिकल रिसोर्सेस या आप कह सकते हैं भौतिक संसाधन की अगर कमी है तो वह विद्यालय अन्वेषण व अध्ययन हेतु अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जहाँ पर हमारा समाज हमारा पर्यावरण ही अधिगम संसाधन रहते हैं। तात्कालिक समुदाय अद्भुत प्रयोगशाला होता है जो कि अधिगम के लिए नितांत सक्रिय रोचक व वास्तविक जीवन को अनुभूत करने का अवसर प्रदान करता है। अगर विद्यालय में पर्यावरण शिक्षण के लिए अधिगम सामग्री की कमी भी हो तो भी उसका सामुदायिक परिवेश समृद्ध होगा। कक्षा के बाहर ज़्यादातर सामान न केवल मुफ्त में उपलब्ध होता है बल्कि उसकी एक अलग वास्तविकता भी होती है। कक्षा की गतिविधियों की तरह इन अधिगम सामग्री से विकसित सिद्धांत व विचारों को बाद में वास्तविक परिस्थितियों में लागू करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह सामान तत्व घटनाएं स्वयं ही वास्तविक परिस्थितियों में होता है, इसलिए तथ्य तुरंत ही समझ में आ जाता है। एक सटीक शिक्षा व्यवस्था की नींव इस बात पर टिकी होती है कि उसमें स्थानीय समुदाय का कितना योगदान होता है। विद्यालय समाज के हित हेतु समाज द्वारा स्थापित संस्थान होता है। विद्यालय समाज की उपज है, अर्थात समाज में होते हुए भी यह समाज को जागृत व सुधार करने के लिए होता है। बिना समाज की सहायता के यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। स्थानीय सामुदायिक संसाधन, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, समुदाय को कक्षा में लाकर और कक्षा को समुदाय में ले जाकर। उदाहरण के लिए अगर हम कक्षा को समुदाय में लेकर जाएं और अगर पौधों के विभिन्न प्रकार या पौधों में जितने भी प्रकार के अंतर होते हैं, अगर इस प्रकार के संप्रत्यय को विद्यार्थी को बताना चाहते हैं तो इसके लिए किसी अन्य अधिगम संसाधन जैसे मॉडल चार्ट अथवा पुस्तकीय ज्ञान से उपयुक्त यह होगा कि उनके सामने जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, जैसे पार्क की घास, खेत, बाग बगीचे, बॉटनिकल गार्डन या किसी भी प्रकार का अध्ययन भ्रमण। इसी क्रम में यदि हम विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के निवास स्थान के बारे में बताना चाहें तो उसके लिए सदैव ही स्थानीय परिवेश को संसाधन के रूप में प्रयोग करना उचित होगा। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को अस्तबल, पशुओं के बाड़े, मुर्गी पालन केंद्र, शहद निष्कर्षण केंद्र आदि जगहों पर ले जाकर अधिगम प्रक्रिया को संवर्धित कर सकते हैं। ठीक उसी क्रम में अगर हम चाहें तो समुदाय को ही कक्षा में ला सकते हैं। समुदाय के लोग भी विद्यालय आकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक होते हैं। इन लोगों में सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी से लेकर किसान तक सम्मिलित होना चाहते हैं। हमें सहजता से उपलब्ध इन मानवीय संसाधनों का अपने पर्यावरण अध्ययन में प्रयोग करने में हिचकना नहीं चाहिए।
यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमारे विद्यालय की, हमारे अध्ययन की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता गिरेगी। ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से मानवीय संसाधन का उपयोग अगर हम कक्षा में, शिक्षण अधिगम में करते हैं, तो इससे हमारी गुणवत्ता हमेशा ही बढ़ती है। विद्यार्थी भी वास्तविक परिस्थितियों में अधिगम करते हैं और स्थानीय समुदाय का सदस्य होने के कारण इन्हें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। यहाँ इन्हें से तात्पर्य है, जो मानवीय संसाधन अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आकर अपना योगदान देते हैं, क्योंकि फौजी या किसी प्रकार के डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये अपने आप में एक रोल मॉडल के रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक चैप्टर जो कक्षा 5 से लिया गया है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, अगर इस पाठ का उदाहरण हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इस पाठ में किस प्रकार के संप्रत्यय का शिक्षण हुआ है। इस पाठ में जो संप्रत्यय है वह यह है, छोटे जीव जंतु, वन्य जीव व पालतू जीव की जीवन शैली, और यह बतलाना कि पालतू जीव भी मनुष्यों की तरह इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने में, और अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अधिगम सामग्री जो इस विशेष चैप्टर जो कक्षा 5 से लिया गया है, उसके लिए हम क्षेत्र भ्रमण विधि का उपयोग कर सकते हैं। हम उन जीवों के निवास स्थान जहां वो पाए जाते हैं, जहां से वो अपने लिए खाद्य पदार्थ का बंदोबस्त करते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, किन किन अंगों का विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों का अवलोकन हम अच्छी प्रकार से तभी कर सकते हैं जब हम उनके बीच में जाएं। इसके साथ ही साथ हम पहेलियों द्वारा भी इनके विशेष अंगों, इनकी दिनचर्या, इनकी जीवन शैली, इनके मतलब जीवों, पशु पक्षी आदि से है। दादा दादी व अन्य बड़ों के साथ भी इस विषय पर हम चर्चा के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको वाइगोस्की थ्योरी के हिसाब से मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो बच्चों से ज़्यादा जानते हैं, वो बच्चों के साथ चर्चा करके अपने अनुभव को बच्चों को दे पाने में सक्षम होते हैं, और वो इस विषय के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, उनके निवास स्थल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से, सहज तरीके से बता पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर मीडिया का प्रयोग करना भी बहुत ही उचित होगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हाथी के बारे में बताएं कि वह किस प्रकार से अपने खाद्य पदार्थ की खोज में, क्या क्या वो खाता है, कैसे वो रहता है, वो कान का उपयोग कैसे करता है, वो कैसा दिखता है, या शेर के बारे में, या कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो कि बच्चों के परिवेश में, विद्यालय के आसपास नहीं मिल पा रहा हो, तो उसके लिए उचित संसाधन उनको वीडियो क्लिपिंग, टेलीविजन, समाचार पत्रों या नेशनल जियोग्राफिकल चैनल के द्वारा बताना ज़्यादा उचित तरीका होगा। बच्चों को खेल व नाटक द्वारा जानवरों के अलग अलग अंगों की उपयोगिता बताने से भी बच्चे इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे, जैसे कि मेंढक कैसे कूदता है, कुत्ता कैसे भौंकता है, कुत्ता की सूंघने की शक्ति ज़्यादा मजबूत होती है। इस प्रकार के नाटक खेल से बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानवर और पशु पक्षियों के बारे में समझ पाने में सक्षम होते हैं। लोकगीत और कथा कहानियाँ भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे पाने में सक्षम होती हैं।
इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेंगे, वो भी कक्षा 5 का ही है, कहानी सपेरों की। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से संप्रत्यय को उस पाठ के द्वारा बच्चों को बताने की कोशिश की गई है, और वह संप्रत्यय है प्रत्येक जीव के महत्व को समझें, खाद्य श्रृंखला को जाने, सर्प व अन्य जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करें, सपेरों की सांपों पर निर्भरता, जानवरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता व वन्य जीवों के कानून के बारे में विद्यार्थियों को बताना है। अब ये देखिए कि इन संप्रत्ययों को किस प्रकार स्थानीय संसाधन का प्रयोग करके हम विद्यार्थियों को उनके मेंटल स्ट्रक्चर को बनाने में मदद कर सकते हैं। यह एक उदाहरण है खाद्य श्रृंखला का। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो घास पत्तियों पर निर्भर करते हैं, उन घास या पत्तियों को चूहा या मेंढक खाते हैं, और मेंढक या चूहे को सांप खाता है, और सांप चील का, बाज का, मोर का खाद्य पदार्थ है। ये पूरी खाद्य श्रृंखला यह दर्शाती है कि हर कुछ एक दूसरे पे निर्भर है। अगर इस श्रृंखला को, इस चेन को अगर हम कहीं तोड़ते हैं तो यह पर्यावरण की साइकिल, पर्यावरण की खाद्य श्रृंखला के साथ खिलवाड़ होगा। तो बच्चे इस बात को अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, अर्थात शिक्षक इस प्रकार का कोई मॉडल या चित्र कक्षा में प्रदर्शित कर सकता है, साथ ही वह उन्हें परिवेश में ले जाकर भी दिखा सकता है। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से और कौन से स्थानीय संसाधन इस पाठ में अपना योगदान दे सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अधिगम सामग्री में चिड़ियाघर भ्रमण भी हो सकता है। वहाँ वो छोटे जीव से लेकर बड़े जीव को समझेंगे, उनके खाने की प्रवृत्ति के बारे में समझेंगे कि वो क्या खाते हैं और क्या वो भी किसी का भोजन है। जानवरों के सकारात्मक पहलू पर आधारित पौराणिक कहानियाँ व व्यक्तिगत कहानियाँ भी बच्चों को उनके बारे में समझने के लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। और जैसा कि सर्प के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के गले में लिपटा होता है, और इस तरह की पौराणिक कथाएं अगर हम बच्चों को बताते हैं तो उन्हें उसे पहचानने, उसके विशेषताओं के बारे में समझने में कदापि दिक्कत नहीं होती है, और वो जानते हैं कि अगर हम सांप को मारते हैं तो कहीं ना कहीं इसका हमारे पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, भले उसका तथ्य, उसकी चिंतन का विषय यह हो कि वो धार्मिक कारणों से उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। साथ ही साथ हम खेल के द्वारा जैसे चेन चेन से खाद्य श्रृंखला का महत्व समझा सकते हैं। इस चेन चेन के खेल में ये होता है कि एक जानवर का जो रोल है वो एक बच्चा करेगा, दूसरा बच्चा मान लीजिए कि सांप का रोल करेगा, तीसरा बच्चा मोर का रोल करेगा। इस प्रकार से वो उसकी तरह आवाज़ निकालेंगे, उसकी तरह चलेंगे, इस तरह की, और एक दूसरे को चेज करेंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, और इस तरीके के खेल में उन्हें बहुत आनंद आता है और खेल खेल में वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और जैसे कि नागपंचमी का त्यौहार भी है, उसके द्वारा भी हम बोल सकते हैं कि सांपों का क्या महत्व है, और भले इसके पीछे धार्मिक पहलू हो लेकिन ये हमारे खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। जानवरों के विभिन्न अंगों से बने उत्पाद के चित्र भी हम दिखा सकते हैं कि क्यों हम आज के दौर में जानवरों के लिए इतना संकट पैदा हो गया है, क्यों लोग शिकार करना चाहते हैं शेरों का, क्यों वो हाथी को कैद करके उनके हाथी दांत से बने उत्पाद को हम दिखा सकते हैं। साथ ही साथ विशेषतः हम सर्पों से बने, सर्पों की चमड़ी से बने पर्स इत्यादि को दिखा सकते हैं कि आखिर सांप जैसा जानवर को खतरा क्यों है।
अगर सांप जिसका भोजन है अगर वो खाता है तो ठीक है, मगर हम मनुष्य उसे क्यों लेते हैं, उसे पकड़ने की चेष्टा क्यों करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन उत्पादों को दिखा के उन्हें हम सजग करते हैं कि यही एक कारण है जिसके वजह से हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो दिन पर दिन विलुप्त होते जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा संकट है। और जैसा मैंने इसके पहले आपको चित्र दिखाया था, खाद्य श्रृंखला का मॉडल या चित्र के द्वारा हम इसे कक्षा में भी लगा सकते हैं, इसका मॉडल बच्चों की सहायता से बनवा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे खुद मॉडल बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उनका क्रियात्मक विकास बहुत होता है। और जब क्रियात्मक विकास होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि जब हम क्रियात्मक विकास कराते हैं तो अपने आप ही भावात्मक विकास होता है, और भावात्मक विकास पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सिर्फ विषय रूप में हम नहीं पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग हों, सचेत हों कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, उसके अवयवों को, उसके तत्वों को, उसके घटकों को हम संरक्षित कर पाएं। और इसके साथ ही साथ हम नाटक के द्वारा जानवरों के कैद में रहने की दुविधा को दर्शा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हम चले जाएंगे चिड़ियाघरों में, हम सर्कस देखने जा रहे हैं, वहाँ हम जानवरों को देखते हैं, उन्हें थोड़ी मूँगफली थोड़ी चीज़ें देख के उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप से अपना मनोरंजन करते हैं, मगर क्या सच में वो भी उस कैद में रहना चाहते हैं? क्या आपके दी हुई मूँगफली या आपके दिए हुए कुछ चीज़ों को पाकर वो खुश होते हैं? वो भी हमारी तरह आज़ाद रहना चाहते हैं, उन्हें जब खाना होगा, जैसे खाना होगा, जिस प्रकार से खाना होगा, उसमें उनको ज़्यादा आनंद महसूस होगा। तो हम नाटक के द्वारा कैद में रहने वाले जानवरों की दुविधा को भी हम दर्शा सकते हैं, और जानवर से संबंधित पहेलियों को बुझाकर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। अब हम दूसरी संसाधन जो कि पाठ से हटके है, जो कि हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, हमारे स्थानीय परिवेश में पाई जाती है, जो हमारे आज के चर्चा के विषय से बहुत करीब है, कि अगर हम पत्तियों का उपयोग किस प्रकार से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि पत्तियाँ किस प्रकार से हमारे संज्ञानात्मक विकास की ओर अग्रसर है। हम कह सकते हैं कि यह अगर विभिन्न प्रकार की पत्तियों को अगर हम संग्रहित करने के लिए कहें बच्चों से, तो बच्चे जब वो संग्रहित करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं होता कि वो पत्तियों को एकत्रित कर लिए या उनको अपने पास रख लिए, जो प्रक्रिया है कलेक्शन की, जो प्रक्रिया है एकत्रित करने की, उस दौरान वो देखते हैं कि उनके आकार, उनके प्रकार, उनके संरचना, उनके गंध अलग है। इस प्रकार से उनकी अवलोकन क्षमता, उनकी वर्गीकरण कौशल की क्षमता और साथ ही साथ पौधों के संसार में पाए जाने वाली विविधता के बारे में हम बता पाते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करना, मतलब आपको मैं अगला चित्र दिखाऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार पत्तियों का उपयोग वो अपने क्रियात्मकता, अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इन पत्तियों की मदद से वो पत्तियों का चिड़ियाघर, जैसा नाम से स्पष्ट है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों को बनाते हैं, और इस प्रकार से इनका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। इसके साथ ही साथ कुछ उदाहरण हैं जो कि हमारे पर्यावरण में, हमारे परिवेश में पाए जाते हैं। कृषि के अनावश्यक उत्पाद, अनावश्यक का मतलब यहाँ यह नहीं है, जो बाई प्रोडक्ट होता है उनकी बात हम करते हैं, मतलब कृषि के अनावश्यक उत्पाद का प्रयोग तो हम करते ही हैं, साथ साथ अगर छोटी मोटी बांस की छड़ियाँ हैं उसको हम कक्षा में उपयोग कर सकते हैं मॉडल बनाने में, या पर्यावरण के विभिन्न अवयवों को समझने में, बढ़ई के यहाँ उपलब्ध लकड़ी के टुकड़े, उनका उपयोग भी हम पहेलियाँ बनाने, पजल्स बनाने, या कुम्हार के बर्तन का उपयोग भी हम
कक्षा कक्ष में कर सकते हैं और इनका उपयोग विज्ञान के विभिन्न प्रायोगिक कार्यों आदि में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे परिवेश में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार की आकृति, तत्व, धातु हमारे कक्षा कक्ष में उपयोग में आते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से सोलर कुकर बना सकते हैं और इसके लिए हमें किसी चीज़ को बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी सोच बनाए कि हमें क्या करना है और इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो है किसी भी जूते का डिब्बा। मैं जूते का डिब्बा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जूते के डिब्बे जो होता है आयताकार होता है, उसके जो लंबाई चौड़ाई होती है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सोलर कुकर बनाने के लिए यूज में लाया जा सकता है। साथ ही साथ थोड़े एल्युमिनियम फॉयल की ज़रूरत होगी, गोंद, कैंची, रंग करने के ब्रश, बर्तन रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी सामान सामग्री नहीं है जो हमें आसानी से हमारे परिवेश से न मिल सके। और अगर ये सारी सामग्री हमारे परिवेश में मिल रही है तो क्यों ना हम इसका उपयोग करके कक्षा कक्ष में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण या कोई मॉडल बना लें। तो देखें आज हम लोग सिर्फ सोलर कुकर को बनाना सीखेंगे और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम बना सकते हैं और उसकी विधि क्या है बनाने की। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोलर कुकर कैसे बनाया जा सकता है। ये चित्र आप देखिए, तीन तरफ से जो बॉक्स दिख रहा है दोनों, वो बनने के पहले और बनने के बाद कैसा दिखता है, बनाने की प्रक्रिया का चित्र है। ये जूते के डिब्बे का है लेकिन अब ये सोलर कुकर का डिब्बा हो चुका है जिसके अंदर हम जो भी चाहें वो बना सकते हैं, मगर इतना ध्यान होगा कि जितना बड़ा उसका आकार होगा उतना ही फूट की मात्रा होगी। अगर फूट की मात्रा ज़्यादा होगी तो खाना धीरे बनेगा, कम होगी तो जल्दी बनेगा। साथ में और भी उसके कारण हैं, कारक हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो सोलर कुकर बनाने की विधि में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जूते का एक डिब्बा लेंगे, उसके ऊपर वाले हिस्से पर तीन किनारों वाला फ्लैप काटें जैसे कि आकृति में आपने देखा, और उसके बाद हम डिब्बे को खोलें तथा इसके अंदर पूरी तरह एल्युमिनियम फॉयल लगा दें, कोई भी जगह खाली न रहने दें, और फिर फॉयल को काटें, काले पेंट से रंग दें। बिना कटी हुई लाइन के साथ फ्लैप के अंदर की ओर भी एल्युमिनियम फॉयल लगा दें। फॉयल का चमकने वाला हिस्सा बाहर रहेगा तथा उसमें सिलवटें कम से कम होनी चाहिए। जो खुलने की जगह आपने बनाई है उस पर नाप कर प्लास्टिक का टुकड़ा या फिल्म लगा दें। उस जगह से वह टुकड़ा कुछ बड़ा होना चाहिए ताकि तंग सील लगाई जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जब डिब्बा प्रयोग में हो तो जरा भी हवा नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो खाना बनने में समय लगेगा। डिब्बा प्रयोग में हो इसका तात्पर्य यह है कि जब हम खाना बनाने का कार्य कर रहे हैं, जब हम उसे सूर्य की रोशनी में रखे हुए हैं तो उसमें हवा नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो तापमान जो खाना बनाने के लिए ज़रूरी है वो उसे पर्याप्त तापमान नहीं मिल पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। खुली ही जगह के ऊपर प्लास्टिक सीट को चिपका दें या टेप लगा दें। अंत में हम प्लास्टिक की थैली के अंदर कुछ खाना रखकर उसे कुकर में रख दें। इसको धूप की तरफ रखें, यह सुनिश्चित करें कि पैनल अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी को कुकर के अंदर और खिड़की से परावर्तित करें। दिन की रोशनी की चमक कितनी है और आप कितना खाना बना रहे हैं इस पर आधारित होता है। बनने में 20 मिनट से 2 से 3 घंटे तक भी लग सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर भोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, कम होगी तो कम लगेगा। और जाहिर सी बात है, अगर बारिश का समय हो, जाड़े का समय हो या रात का समय हो तो हम सोलर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य का ताप ज़्यादा होगा खाना बनने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। आज की चर्चा में हमने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग
पर्यावरण अध्ययन हेतु कैसे और किस प्रकार किया जाए इस पर प्रकाश डाला। साथ ही हमने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके सोलर कुकर का मॉडल बनाना सीखा। आज की चर्चा बस इतनी ही, अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।